दोस्तों जहां लग रहा था कि बीजेपी सरकार अपनी राजनीति करके अपनी ही किसी पार्टी के नेता को महाराष्ट्र का सीएम बनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति लगातार करवट ले रही है। एकनाथ शिंदे ने सीएम पद की शपथ ले ली है। वहीं अब तक देवेंद्र फडणवीस, जिनके बाहर से सपोर्ट करने की बात सामने आ रही थी, उन्हें भी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम का पद संभालेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने भी इस पर मोहर लगाई। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पद का ऐलान करते हुए फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी सरकार का हिस्सा नहीं बनेगी, बल्कि शिंदे सरकार को बाहर से समर्थन देगी। उद्धव ठाकरे की सरकार से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस का शुक्रिया अदा किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाया है और बड़ी पार्टी का नेता होते हुए भी शिवसेना को सीएम की कुर्सी ऑफर कर दी। शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए महाराष्ट्र में विकास करने वाली सरकार चलाने का भरोसा दिया। लेकिन आप भी सभी अच्छे से जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा जिले में हुआ था। शिंदे मराठी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। एकनाथ शिंदे ने 11वीं कक्षा तक ठाणे में ही पढ़ाई की और बाद में ऑटो चलाने लगे। कुछ साल ऑटो चलाने के बाद वह शिवसेना से जुड़े और एक आम कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। इसके बाद उन्होंने हर चुनाव में जीत हासिल की। इसी वजह से उन्हें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का बेहद करीबी माना जाता था और अब उन्होंने ही उनको धोखा दे दिया। आज उनके ही पीठ पर छुरा घोंप के आज खुद मुख्यमंत्री बन गए हैं। बीजेपी सरकार के लोग अपनी राजनीति और सत्ता की भूख में किसी के साथ भी खेल सकते हैं, जो आज उन्होंने किया है। महाराष्ट्र के सीएम की घोषणा के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने जो फैसला लिया है उस बारे में आप सब जानते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बाला साहेब का हिंदुत्व, उनकी भूमिका और विधायकों के विकास कार्य करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। शिंदे ने कहा कि 2/3 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं और 50 से ज्यादा विधायक हम सब के साथ हैं। पिछले कुछ दिनों से 2.5 साल में जो हुआ वो आप जानते हैं। सीएम ठाकरे को हम अपनी परेशानी बताते थे। मैंने भी कई बार उनसे चर्चा की थी। शिंदे ने आगे कहा कि हमने मन में कोई स्वार्थ नहीं रखा। हमारा बीजेपी के साथ नेचुरल गठबंधन था। विधायकों ने आगे के चुनाव को ध्यान में रख बीजेपी के साथ जाने की बात कही। एकनाथ शिंदे ने कहा, मैं भी सरकार में काम कर रहा था पर राज्य के हित में कुछ नहीं हो रहा था। महाविकास आघाड़ी में कुछ फैसले हुए उनका स्वागत है पर वैचारिक मतभेद से हम कुछ मामलों पर आगे नहीं बढ़ सकते थे। उन्होंने कहा कि राज्य के हित और भविष्य की दृष्टि से जो कुछ हो रहा था एमवीए की वजह से हम कुछ फैसले नहीं ले पा रहे थे। इस खबर में सिर्फ इतना ही। वहीं ऐसी और भी खबरें पाने के लिए जुड़े रहिए MIM न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।